दिल्ली के आनंद विहार में आरपीएफ ने दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो हिमाचल से चांदी और लैपटॉप चोरी करके दिल्ली के रास्ते बिहार जाने की फिराक में थे। आरपीएफ की क्राइम प्रिवेंशन टीम ने आनंद विहार पर तैनात थी, तभी उन्हें दो संदिग्ध लोगों पर शक हुआ। टीम ने जब उनसे पूछताछ शुरू की और उनके बैग चेक किए तो चेक करने पर उनके पास से कीमती 4 लैपटॉप बरामद हुए और साथ ही 2.5 किलो चांदी बरामद हुई। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे लोग हिमाचल से चोरी करके आए हैं और अब अपने घर बिहार जा रहे हैं। ये जो दो लोग हैं ये हमारी आरपीएफ की क्राइम प्रिवेंशन टीम है, जिसमें हमारे एएसआई रेशमपाल सिंह थे, चंद्रशेखर कांस्टेबल संतोष कुमार और सुभाष कुमार थे। ये अपराधियों को पकड़ने के लिए स्टेशन पर घूमते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आज इन्होंने देखा कि गाजियाबाद साइड आनंद विहार स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म एंड है उससे थोड़ी आगे एक महाराजपुर पुल पड़ता है, वहाँ इसके आसपास थे ये लोग। तो इन्होंने देखा कि दो लोग जो है ये स्टेशन की तरफ को आ रहे हैं और अपनी बातों में मस्त थे ये लोग, और ये हमारा स्टाफ उन्हीं की तरफ को जा रहा था। जब इन्होंने दोनों आदमियों ने जिनके पास दो बैग थे इन्होंने जज कर लिया या भांप लिया कि ये कोई पुलिस के आदमी हैं, तो ये सडनली पीछे मुड़े और वापस जाने लगे जो है। तो हमारी टीम को भी शक हुआ, तो इन्होंने आवाज़ दी, आवाज़ देते ये लोग दौड़ पड़े। दौड़ा तो हमारी टीम ने भी दौड़ करके इनको कुछ ही दूरी पे वहाँ पकड़ लिया। पकड़ा तो इनसे पूछा कि आप क्यों दौड़ रहे हो, तो कुछ बता नहीं पाए। पूछा कि आपके पास ये दो बैग हैं इनमें क्या है, तो ये दिखा नहीं रहे थे बैग पे, तो उसमें फिर भी ज़बरदस्ती थोड़ा सा सख्ती करके जब बैग चेक किया तो इसमें एक बैग में 4 लैपटॉप मिले और एक बैग में चांदी के गहने मिले। चांदी के गहने काफ़ी संख्या में थे और वजन भी इनका काफ़ी लगभग, ये लैपटॉप 4 थे एक बैग में और चांदी के गहने थे बहुत सारे, जिसमें वजन आई थिंक ये करीब 2.5 किलो रहा होगा। और जब इनसे पूछा तो इन्होंने कोई जवाब अच्छे तरीके से नहीं दिया। जब हमें शक हुआ तो हम लोगों ने इनसे पूछताछ की, तो पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो हम लैपटॉप है और गहने हैं ये हमने हिमाचल में मंडी ज़िला पड़ता है वहाँ के एक शोरूम है ज्वेलरी का और लैपटॉप का शोरूम, वहाँ से चोरी किया है। और हम लोगों के साथ में 6 आदमी और भी थे, उनके साथ हम लोगों ने चोरी किया था। वो 6 के 6 जा चुके हैं और आज हम लोग किसी ट्रेन से अपने घर बिहार जा रहे थे। हमने हिमाचल मंडी में जो है सदर थाना है वहाँ संपर्क किया, वहाँ के SHO साहब हैं विनोद ठाकुर जी, उनसे जब हमने बताया कि ऐसे ऐसे पकड़ा है, दो आदमी पकड़े हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा बताया कि आपके डिस्ट्रिक्ट से चोरी की है, तो SHO साहब ने बताया कि हाँ ये घटना वाकई में हुई है और यहाँ हमारे यहाँ करीब 13 किलो के आसपास शोरूम से चांदी के गहने चोरी हुए हैं और लैपटॉप जो है 13 चोरी हुए हैं शोरूम से।